आ जाओ दोस्तों। और आज यार किसी काम से आया था वॉलमार्ट, और इत्तेफाक से मेरा गिम्बल जो था वो गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक पंथ दो काज कर लेते हैं, आज वीडियो बन जाएगा, ट्राई करते हैं जाके अंदर, क्योंकि मना कर देते हैं आमतौर से, लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं ना, तो चलो चलते हैं आज अंदर वॉलमार्ट के और देखते हैं कितना और कैसा वीडियो बनाने पाते हैं। और ये आपको लिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ वहाँ फार्मेसी, हमारे यहाँ तो केमिस्टों की दुकानें होती हैं, जो डॉक्टर दवाई लिखता पर्चा वो कहता जाओ फलाने केमिस्ट के पास मिलेगी, जिससे भी उसका हिसाब किताब बंधा होता है वहाँ जाकर ले लो आप। यहाँ पर केमिस्ट शॉप नहीं होती हैं, कुछ दवाएँ जो होती हैं वो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जो हर जगह मिल जाती हैं ऐसी, उसके लिए कोई डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं होती है आपको। और ये कद्दू जो मिल रहे हैं हेलोविन के लिए मिल रहे हैं सारे कद्दू या सीताफल जो भी कहते हो आप उसको, तो हेलोविन पे लोग लगाते हैं घरों के सामने अपने। और एक फन फेस्टिवल है वो, मतलब भावनाओं से कोई उसका जुड़ाव नहीं उस त्यौहार का, तो चलो चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर। और वॉलमार्ट के अंदर यहाँ पर आपको सब्वे भी मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा उसका, फेडेक्स का है वहाँ पर दुकान, और आँखों का चश्मा बनवाते हो डॉक्टर बैठा होगा वहाँ पर, चश्मे मिल जाएंगे विभिन्न किस्म के आपके। और उसके अलावा फार्मेसी तो है ही, जहाँ पे डॉक्टर ने कोई पर्चा लिखा आपको तो आप जो भी फार्मेसी बताओगे वहाँ जाके आपको दवाई मिल जाएगी, मतलब आपको पर्चा लेके घूमना नहीं पड़ता कहीं पर भी। और ये है मार्केट, मार्केट का मतलब मार्केट ही है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, कपड़े मिलेंगे, सब्जियाँ मिलेंगी, मीट मिलेगा विभिन्न किस्म का, कैंडियाँ मिलेंगी, दलिया मिलेगा, बेकरी मिलेगी, डेली मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी। तो चलो चलते हैं आज और ऐसी टाइम पास करते हैं बस, पहले टाइटल में कह दिया कि टाइम पास है, तो कोई ज़्यादा अपेक्षा मत करना वीडियो से। चलो आ जाओ फिर चलते हैं अंदर, चलो आ जाओ फिर। वो जा रहा है एंड्रू, वो चाची जा रही है, पीछे मेरा सन इन लॉ है, ये ऑस्टिन है, और ये मेरी बेटी, इसके साथ में रहता हूँ यहाँ। चलते हैं चलो अंदर घूमते हैं, दाम वाम देख लेना और कोशिश करना पकड़ने की अपनी आँखों से कि वो क्या चीज़ मिल रही है, क्योंकि अगर मैं रुक गया एक जगह पर और दाम बताने लग गया तो फिर दाम बताने में पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा और मज़ा नहीं आया घूमने का। और वीडियो मतलब इसलिए बनाता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है स्टोर, और बहुत सारे लोग जो वो इस स्टोर में आना पसंद नहीं करते हैं वॉलमार्ट में, क्योंकि ये मध्यम दर्जे के जो लोग होते हैं या मिडिल क्लास और नीचे के जो तबके के लोग होते हैं उनका स्टोर है, सस्ता सामान मिलता है यहाँ पर। और ये सब हेलोवीन के कॉस्ट्यूम्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और जो कपड़े मिल रहे हैं और खिलौने मिल रहे हैं, चाकू देख रहा है रामपुरी देखो, और कोविड में नया आ गया है कैंडी लेने के लिए, दूर से कर दो उसमें कैंडी डाल देगा कोई, तो यहाँ कपड़े मिल रहे हैं हेलोवीन के। भाई लोगों को पसंद कुछ नहीं आए कोई कपड़े, बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं निराशा लगी उनको आके यहाँ पर वॉलमार्ट में। तो अभी ये लोग जाएंगे एक और जगह, पार्टी सिटी नाम है उसका, वहाँ पर बहुत ही मतलब हाई क्लास जो कॉस्ट्यूम होते हैं हेलोवीन के वो वहाँ पर मिलते हैं, दाम देख लो 7-8 रुपये लिखे हुए थे डॉलर, देख रहे हैं काफ़ी मशक्कत करी उन्होंने लेकिन बेचारों कोई मिला नहीं। और ये कुर्सी देख रहे हो जो बंदा इसे बैठा हुआ है, यहाँ पर जो बड़े स्टोर्स होते हैं उसमें इस प्रकार की कुर्सियाँ होती हैं उन लोग के लिए जो जिनका शरीर जो होता है वो इतना भारी होता है कि उनको चलने में परेशानी होती है, तो स्टोर के अंदर घुसो वहीं से कुर्सी बैठ जाओ बिजली की बस घूमते रहो। चलो भैया चश्मे की दुकान आ गई, $11 चश्मा मिल रहा, देखो दाम देखना चश्मों के कितने कितने के हैं चश्मे, वो मुझे बता रही मेरी बेटी कि वो देखो उसको रिकॉर्ड कर लो, डायरेक्टर साथ में चलते हैं मेरे। और ये मेन सेक्शन है जहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, मतलब लड़कों के कपड़े, और अभी चलेंगे लड़कों के सेक्शन में और लेडीज सेक्शन में और बच्चों के सेक्शन में। अब हम लोग की आदत होती है ना कि मगर सोच समझे कहीं भी खड़े घुस जाते हैं, जाके पूछने लगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए कहाँ मिलेगी वहाँ जाकर, जबकि यहाँ पर स्टोर जो होते हैं उसमें बड़ा सिस्टमाइज होता सब कुछ। और एक जगह पर भी दिखाऊंगा आपको कैसे आपको पता लग सकता है अगर आप नए आए हो यहाँ पर कि आपको जो चीज़ ढूंढने के लिए आए हो वो कहाँ मिलेगी, ऐसी कहीं पे भी जाकर किसी से पूछते की ज़रूरत नहीं होती ना, पूछते हैं लोग यहाँ पर, हमारी आदत होती वो कहते नहीं एक और से पूछो, 2-4 लोगों से पूछ लो तो कन्फर्म हो जाएगा कि सही जगह पर जा रहे हैं जा रहे हैं। तो चलो ऐसे घुमा रहा हूँ, मैंने कहा था टाइम पास तो बुरा मत माना, देखा टाइम पास वीडियो है। फिर वो कहते हैं ना कहावत के खाली से बेकार भली, कि खाली बैठे से तो अच्छा किसी का मुफ्त में काम कर दो उसकी मदद ही हो जाएगी बेचारेगी, फिर तुम किसी मदद करो तुम्हारी मदद ऊपर से आएगी। तो चलो चलते हैं घूमते हैं। और ये जो गलियारा है ना, अरे वो देखो ऊपर ज्वेलरी मिल रही, ज्वेलरी और सामने हेल्थ एंड वेलनेस है, वहाँ पर आपकी तंदुरुस्ती रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं विटामिन गोलियाँ किस्म किस्म की तेल शैम्पू वो सब चीज़ें मिलेंगी। और वो विज़न सेंटर दिख रहा है आपको जहाँ पर चश्मा बना सकते हो आप आँखों के चश्मे,
ये फार्मेसी है, फार्मेसी यहाँ बहुत सारी हैं हमारे, जैसे फार्मेसी वॉलमार्ट में है और फ्रेड मैन फार्मेसी है, वॉलग्रीन है, CVS है, कई फार्मेसी होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, केमिस्ट की दुकानें नहीं होती हैं, आपको पर्चा ना पर्चा लेके जाना होता है। और चश्मे आ गए दोबारा से, और जो खाली जगह दिख रहे हैं, दिख रही चश्मों में, वो या तो खरीद लिया किसी ने या किसी ने पार कर लिया। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी कैमरा इन यूज़। उसके बाद ही भाई लोग चिंता नहीं करते हैं, और बहुत चोर होते हैं यार यहाँ पर, लोग बहुत चोरी करते हैं। लेकिन एक बात है, अगर चोरी करके पकड़ गए आप, तो फिर वो जिंदगी भर के लिए आपके रिकॉर्ड में लग जाता है। जहाँ पर भी नौकरी के लिए जाओगे आप, जैसे ही वो आपके नाम को डालेगा तो पता लग जाएगा आपने वॉलमार्ट से चश्मा चुराया था। सही बता रहा हूँ, तो बड़े जीवट का काम होता है चोरी करना। ये क्लियरेंस है जहाँ पर सस्ता मद्दा सामान मिलता है, क्योंकि अब जाड़ों की शुरुआत हो रही है और ये गर्मियों के कपड़े हैं, इसलिए सस्ते में लगा दिए, रास्ते का माल सस्ते में। उसी तरह की दुकान है, और लड़कियों का सेक्शन है, लड़कियों का या महिलाओं का सेक्शन, दाम देख लो, स्वेटर वेटर आ गई नहीं बिकने के लिए, बाकी रुक रुक के मिला सकता हूँ यार सब जगह। और चेक बहुत बढ़िया मिलते हैं यहाँ पर, चेक की शर्ट्स आदमियों की भी और औरतों की भी है, लड़कियों की बहुत ही बेहतरीन चेक मिलते हैं, लाजवाब। और सामने देख लिया अपनी फेडेक्स का, मैं जो अपनी जीन्स की खरीदारी करता हूँ वो यहीं से करता हूँ, वॉलमार्ट से, क्योंकि यहाँ सस्ती मिल जाती है जीन्स काफ़ी। दाम अभी दिखाऊंगा कितने की मिलती है जीन्स यहाँ पर, अच्छी कंपनी की, मेरी नज़र से अच्छी हो सकता है आपकी नज़र से अच्छी हो। मैं सस्ता मद्दा सामान खरीदता हूँ यार, महंगा नहीं खरीदता ज़्यादा। अगर आप किसी ऐसे बड़े स्टोर में जाओगे तो आपको अगर घूम के और देखोगे, आप ऊपर नज़र दौड़ाओगे, तो आपको बेबी या बॉयज़ या मेंस वेयर या लेडीज़ वो सब लिखा हुआ दिख जाएगा, हैंगर्स लटके होते हैं इस पर। और वहाँ से देख लो आप, ये रसलर की जीन्स है 11.97 की मिल रही है, और रेंगलर की मिल रही है लगभग $18 की। पिछले साल यही जीन्स 12 में मिल जाती, तो मैं मोस्टली रेंगलर की जीन्स ही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आती और कोई जीन्स, और जीन्स जीन्स ही होती यार। और ये देख लो लगभग $300 की कुर्सी मिल रही है, जो छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है उसको लेकर जब आप घर जाते हो, जैसे मैंने एक वीडियो पहले बताया भी था, तो आपको यहाँ पर उसको कुर्सी में ही लेकर जाना होता है, उसकी यात्रा पहली कुर्सी में शुरू होती है, नानी दादी की गोद में नहीं होती है। तो ये कुर्सियाँ मिल रही हैं यहाँ पर, अपनी हैसियत के हिसाब से ले सकता बंदा, 100 से लेकर 300 तक की है कुर्सी बच्चों की, और वो मिल जाएंगे जो बच्चों के स्ट्रोलर होते हैं ना, ये बेबीज़ का सेक्शन हैगा, तो यहाँ बच्चों से रिलेटेड सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो भी आपको चाहिए एक बच्चे से की जो आवश्यकता होती है माँ बाप को, वो सब मिल जाएगा बच्चों के लिए। जैसे यहाँ देखो आप स्ट्रोलर मिल रहे हैं, और वो मतलब कोई दाम यही है ना कि 100 से लेकर 200 300 तक मिल जाएगा। और ये छोटे बच्चों के मोज़े मिल रहे हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स के, जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब पैदा हुए से लेकर 3 महीने तक के होते हैं शायद, तब उनको इन्फेंट बोला जाता, तो उनके मोज़े मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो बेबी सेक्शन में जाओगे आप, वहाँ पर हर एक चीज़ जो एक बच्चे की आवश्यकता होती है जब वो बड़ा होता है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, जैसे छोटे छोटे बिल्कुल पैदा हुए बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको ये बच्चों के सेक्शन में जाने पर, वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सब कुछ हर एक चीज़ यानी कि। चलो अब चलें जूतों के सेक्शन में, और ये देख लो आप जूते मिल रहे हैं, दाम देख लो खुद ही लिखे हुए, लो प्राइस है $32.84 किसी विशेष किस्म के जूते हैं। और जैसे पालिका बाज़ार में मिलते हैं ना जूते, या और भी बहुत सारी जगह पर ऐसे बाज़ार होते हैं, बुध बाज़ार या मंगल बाज़ार, वहाँ पर जूते मिल रहे होते हैं, बस उसी प्रकार के जूते हैं। इससे आप देख के अंदाज़ा ला सकते हो कि वॉलमार्ट की जो चेन है वो किस प्रकार की होती है। और बस अपने यहाँ तो होता है कि जूता पहनाने वाला होता है, यहाँ पर बस सब जगह नहीं होता मतलब, तो वैसे ही है कि जूता उतारो यहाँ से, जो पसंद आया पहन के देखो सही आ गया ले जाओ। और ये जूते मिल रहे हैं आपको, ये वो जूते हैं जो घरों के अंदर पहने जाते हैं, हाँ यहाँ पर घर के अंदर पहनने जूते होते हैं, ये विशेष प्रकार जूते होते हैं जिसको आप कारपेट पर पहन सकते हो अपने घर में, या घर के अंदर फ्लोर पर पहन घूम सकते हो, ऐसा नहीं कि बाहर पहन के जाओ तो मनाही है, लेकिन आमतौर से लोग जो है इन जूतों को, ये जो आप देख रहे थे, वो घर में पहनते हो। और चलो डेयरी आ गई भैया, और डब्बों में सब रखा हुआ है ऑर्गेनिक दूध, कितने किस्म के दूध मिलते हैं बस बता नहीं सकता हूँ, कभी वीडियो बनाऊंगा भविष्य में। और किस्म किस्म के दूध होंगे, फ्लेवर्ड मिल्क होंगे, फलों के अलग अलग स्वादों के मिल्क होंगे, हर चीज़ में फल हर एक में घुसा होता है, यहाँ पर बियर में फल घुसा होगा, सिगरेट में फल घुसा होगा, तम्बाकू में फल घुसा होगा, हर चीज़ में। और ये है डेयरी, सॉरी दही का सेक्शन, ये सारे जितने भी आप देखोगे ये सब दही हैं, किस्म किस्म के अलग अलग तरीके के। और वही मैंने बताया जैसे दूध मिलता है फ्लेवर, ऐसी दही भी फ्लेवर, हर चीज़ में खुशबू हर एक चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है यहाँ पर, कमाल के लोग हैं बस। और ये पूरा दही का सेक्शन है, इसके बाद जब ये शुरू हो रहा है ये मक्खन मिल रहे हैं, किस्म किस्म के मक्खन। आगे चलेंगे थोड़ा सा
तो फिर पनीर मिलेंगे, पता नहीं कौन से पनीर मिलते हैं यार, पूछो ही मत, बस महिमा परंपरा है, तो किस्म किस्म के पनीर मिलेंगे आपको, और आगे जाके अंडे मिलेंगे आपको, पता नहीं कौन कौन से किस्म के अंडे, अलग अलग कंपनियों के और ऑर्गेनिक अंडे। अब ज़माना अजीब आ गया, पहले तो मत सबको सिखाया इन्होंने कि रासायनिक खाद इस्तेमाल करो, जब सबने रासायनिक इस्तेमाल कर लिया तो आप कह रहे हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक खरीदो, हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में ऑर्गेनिक चीज़ें सभी मिलने लगे, दोबारा से वहीं लौट के आए हम। और देखो वो जो हरी हरी फंटियाँ सी लटकी हुई ना, यही है हर एक दुकान में होगा ऐसा, बस इन पर पढ़ लो आप, ढूंढते हुए जाओ, ढूंढ देख लो कहाँ पर टंगी हुई सब कैलेंडर उसमें पढ़ लो, बस सब पता जाएगा कौन चीज़ कहाँ मिल रही, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था टाइम पास है वीडियो, तो घूमते हुए दोबारा वहीं लौट के आ गया यार वापस, चोरी छुपे बनाना पड़ रहा था ना वीडियो, इधर उधर घूम रहा था तो दोबारा घुस गया उसमें, माइंड मत करना, इसीलिए पहले कह दिया था टाइम पास वीडियो। और हाँ, ये बेबी मेंस वेयर लेडीज़ ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नए आए हो मॉल में वहाँ लिखा हुआ दिख जाए बस चले जाओ, वहाँ सीधे सब कुछ वहीं मिल जाएगा आपको, आदमी के कपड़े, बच्चों का सामान, महिलाओं के कपड़े, और महिलाओं के जो सेक्शन होते हैं वो बहुत आलीशान होते हैं यहाँ पर, बहुत बड़े, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं अपने यहाँ की नहीं, हर जगह की महिलाएं जो होती हैं वो खरीदारी करने में नंबर वन होती हैं, बहुत ही अव्वल, तो ये जो महिलाओं का सेक्शन होता है वो बहुत ही आकर्षक और लुभावना बनाते हैं, क्योंकि वही उनकी मेन ग्राहक होती ना, और देख लो हरी हरी पट्टियाँ दिख रही हैं सब, ऐसी कहीं नीली होंगी कहीं पीली होंगी, उसी में पढ़ते चले जाओ सब, वहीं से पता लग जाएगा सब कि कौन सी वाली गली में तुम्हारा सामान मिलेगा। चलो चलने एक और जगह, आप पूछते हो ना रंग भेद होता है क्या यहाँ पर, नहीं होता है कोई रेसिस्म, देखो अब दिखाते हैं तुमको, एक ही जगह पर हर प्रकार का मीट मिलेगा, कोई उसमें बुरा मानने की बात नहीं, देख लेना भी सब सब मीट एक जगह मिल रहा है, सबको एक बराबर की जगह दी गई शेल्फों में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, स्मोक मीट है, धुएं में पकाते हैं, खुशबू आती है धुएं की, लकड़ी मज़ा आता है खाने में, ये पोल्ट्री मिल रही, पोल्ट्री मतलब चिकन का सामान, और उसके बाद वो सामने पोर्क है, पोर्क के बाद बीफ है, और बीफ के बाद है फिर आपके क्या है देखता हूँ ग्राउंड बीफ, हमारे यहाँ तो होता है कीमा लेके आते हो बाजार से, जब जाते हैं मीट लेने उसके कहते हैं कीमा बना दे हमारे को, आधा किलो कीमा दे दे, एक किलो कीमा दे दे, यहाँ पर कीमा सब कुटा कुटा मिलता है सब, और उसमें कितनी फैट चाहिए 2%, 5%, 10%, 20% उसके हिसाब से मिलता है, आप ले आओ, और सी फूड मिल रहा है, तो आप देख लो यार सब कुछ सामान एक ही जगह मिल रहा है, सारा मीट एक जगह, कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का। फिर ये बेकरी है, बेकरी तो बेकरी होती है, डबल रोटी मिलेगी आपको, केक मिलेंगे, किस्म किस्म की और चीज़ें मिलेंगी। तो चलो वीडियो हो रहा समाप्ति को, अगर सर फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर, बाय गाइस, टेक केयर।